रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ लेमन राइस यानी नींबू चावल की रेसिपी शेयर करूंगी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर गरम कर लेंगे। तेल गरम हो जाने पर इसमें डालेंगे मस्टर्ड सीड्स, उन्हें चटकने देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल और थोड़ी देर भून लेंगे इन्हें। आंच इस समय बिल्कुल कम रहेगी। तो ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम 2 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी कच्ची मूंगफली और इन्हें भी अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि जो ये मूंगफलियाँ हैं ये अच्छे से पक जाए, जो भी इसका कच्चापन है वो चला जाए। तो देखिए ये अच्छे से पक गई है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काजू, इसे भी थोड़ी देर चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम किसा हुआ अदरक और उसे भी हम अच्छे से इसके साथ चला लेते हैं। अब डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ता आधा छोटा चम्मच, हींग और मिला लेंगे सबको अच्छे से। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच हल्दी और सबको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे हम चावल, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही चावल को बॉईल करके रखा है। आप चाहें तो बचे हुए चावल के साथ भी इसे ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ा नींबू का रस और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। 2 मिनट के लिए हम इसे इसी तरह से पका लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए और चावल में जो सारा टेस्ट है वो चला जाए। तो ढककर इसे पका लेते हैं 2 मिनट। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल अब तैयार है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें। आप ऐसे भी खा सकते हैं पर रायते के साथ ये और भी टेस्टी लगता है। तो आप ये ज़रूर बनाएं और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।